आपकी बार यहाँ पर दीपेंद्र एक तरफा एक तरफा हाँ जी कांग्रेस हाँ जी कांग्रेस ही आनी चाहिए हम तो ये कहते हैं गरीब के हक में हमेशा कांग्रेस रही है। क्या माहौल लग रहा है आपके बारे यहाँ पर चुनाव को लेकर किसकी तरफ जोर ज्यादा दिख रहा है वो तो टाइम बता हुआ है क्या माहौल दिख रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर किसकी तरफ जोर ज्यादा है कांग्रेस का जोर है कांग्रेस का जोर है आपके बारे में चुनाव को लेकर दीपेंद्र पार है जी कितने मतों के साथ 1,00,000 से क्या माहौल चल रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर कोई माहौल जी अपन कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ का क्या माहौल दिख रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार कांग्रेस लोग तक का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद बहुमत से बनेगी बढ़िया माहौल है जी कांग्रेस का है आपकी बार कांग्रेस आएगी पक्का है चुनाव के लिए जीत के बाद कांग्रेस का चल रहा है। नमस्कार मैं हूं आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा और गरिमा टाइम। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली हिसार बाईपास पर लोकसभा चुनाव है यहां पर हम जानेंगे काफ़ी ऑटो वाले कि इनकी चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है और ये इनकी पहली पसंद कौन है और इनके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका अनिल है जी कहाँ से हैं आप मैं मुझे रोहतक से हूँ कहाँ से रोहतक से रसिया का हूँ। अच्छा क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे चुनाव को लेकर हाँ जी माहौल की बात वही है जी मैंने वहाँ बताया आपको कैसे पे अच्छा हम जी पार्टी हमारी हम जी एक ही बस बसपा भैया सिंह जी हाथीवाड़ी इसके अलावा कोई नहीं है जी हमारी पार्टी। यहाँ पर अभी अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो दोनों में से किसको बताऊँ मैम जी अभी तो यहाँ तो देखो माहौल की बात है जी वो कुछ लोग अरविंद को बोलते हैं दीपेंद्र को बोलते हैं और एम जी ज़्यादातर लोग यहाँ दीपेंद्र हुड्डा की सुनी हमने और एम जी लोग बोल रहे कि भाई अरविंद भी कम नहीं है। अच्छा हाँ दोनों बराबर बराबर हाँ जी पूछो क्या नाम है आपका कुलदीप सिंह क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ पर दीपेंद्र एक तरफा एक तरफा एक तरफा कितने मतों के साथ जीतेंगे कम से कम 3,50,000 से। अच्छा फिर पिछली बार कैसे रह गए पिछली बार मोदी ने हार दिया। अच्छा तो फिर अब की बार नहीं ये दीपेंद्र का जाएंगे घोषणा कर दो कथा कर दो। अच्छा हाँ जी कांग्रेस कांग्रेस हाँ जी कांग्रेस ही क्यों आएगी हाँ बच्चे जी परिवर्तन जरूरी है देश के अंदर। अच्छा किन किन चीज़ों में परिवर्तन देखते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी महंगाई भाई परिवर्तन है तभी होगा ना नहीं तो रावण का रूप हो जाता है 10 साल ये जिसने राज कर लिया उसका रावण का रूप हो जाता है किसी की मनमानी करेगा। अच्छा मतलब परिवर्तन चाहिए परिवर्तन बहुत जरूरी चाहिए जी कांग्रेस ही आनी चाहिए हम तो ये कहते हैं गरीब के हक में हमेशा कांग्रेस रही है। इन्होंने क्या क्या बताओ क्या क्या खट्टर 10 साल बैठा रहा उन्होंने क्या करा गरीबों के लिए कुछ करा उन्होंने क्या क्या होने चाहिए मुद्दे ये है गरीब को नौकरी मिलनी चाहिए 2 पैसे का धंधा मिलना चाहिए वो कहाँ मिला गरीबों को ये सब कहते हैं ना पैसे वालों को मिला गरीबों को तो कोई मिला ही नहीं है कहाँ हो रहा भ्रष्टाचार का तो अभी तक तो चल रहा है डबल है डबल भ्रष्टाचार डबल और हो रहा है। अच्छा जो काम 100 में बढ़ता था ना 500 में बढ़ता है अब। अच्छा आप फिर लाइन में लगते हैं छोटी गलती हो रही है उसने भी लाइन ठीक करो डबल हो रही डबल जी डबल तो ये रिश्वतखोरी कौन हटाएगा जी सरकार हटाओ सरकार हटाएगी और हम तो कैसे कुछ वो 15 उड्डा हटा सकता है हरियाणा में दौर कोई नहीं हटा सकता। अच्छा हाँ जी क्या नाम है सागर जी क्या माहौल लग रहा है आपके बारे यहाँ पर चुनाव को लेकर किसकी तरफ जोर ज़्यादा दिख रहा है वो तो जी टाइम बता हुआ है अगर अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें दोनों में से किसको भारी बताएंगे कौन किस पर भारी पड़ रहा है दीपेंद्र हुड्डा क्यों कांग्रेस यहाँ जी दीपेंद्र हुड्डा ने दिया वोट क्या खास बात देखिए कांग्रेस में कह देते हैं जी कांग्रेस ही हम अच्छा दीपेंद्र हुड्डा ने जाएंगे क्या नाम है अंकल आपका रामवीर क्या माहौल लग रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर क्या माहौल दिख रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर किसकी तरफ जोर ज्यादा है कांग्रेस का जोर है कांग्रेस का जोर है। अच्छा कांग्रेस का ही क्यों जोर दिख रहा है वैसे जोर दिख रहा है बते रहे थे ना बोलिए ना मनते ना मोदी को अच्छा मोदी हटना चाहिए आपकी बार मोदी को हटना चाहिए क्या आपकी बार हटना चाहिए तो किसको देख रहे मोदी के अलावा किसका हमारे लिए तो कोई है पर मोदी हटना चाहिए। अच्छा तेरा क्या मोदी को अच्छा गरीब कह दिया इसको है कोई मकान दिया हो कोई रुपये दिए प्लाटा है या किसी कुछ करवाया हो गरीब आदमी का क्या करवाया इसने कुछ नहीं करवाया कुछ भी ठीक है
वो वोट मांगने आ जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करें गरीब आदमी का, नहीं कुछ नहीं करें। रोहतक में क्या रहेगा फिर आपकी बात? रोहतक में हमको, हम तो बता दिए, हम तो वोट मोदी को वोट दे नहीं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? क्या बताए जी अभी? अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा में से किसको भारी बताइए? हमारा तो दीपेंद्र आए जब बात बने जी। अच्छा, बीजेपी ने करके दिया, ऑटो 3 लाख की कर दी, डीजल वाली बंद कर दी, गैस का सिलेंडर 1100 का, 65,000 की मोटरसाइकिल 1.5 लाख की, गरीब आदमी का नमक की थैली 30 रुपया की हो रही है, करके दिया बीजेपी ने। गरीब 5 किलो नाश्ते वो दूना गरीब बनाने लग रहे। मेरा बीपीएल कार्ड था वो भी काट गया। उठाएगा उठा क्या बोला? क्या माहौल लग रहा है आपकी बारे में चुनाव को लेकर? दीपेंद्र पार है जी। कितने मतों के साथ? 1 लाख से। तो बस माहौल पीछे तो बस वैसे ही हार गया था। अच्छा, तो आपकी बारे दीपेंद्र ही आएंगे? अब दीपेंद्र है रोहतक से। अच्छा, अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा ही कोई नहीं। अच्छा, बस दीपेंद्र है जी। दीपेंद्र का ही जोर है? दीपेंद्र है और कोई नहीं। क्या नाम है भैया? ऋतिक जी। क्या माहौल चल रहा है आपके बारे में चुनाव? क्या माहौल चल रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर? कोई माहौल जी, अपन कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज़ का। अच्छा, वोट आना आपका। अमित सिंह। क्या माहौल दिख रहा है आपके बारे में चुनाव को लेकर? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस? कांग्रेस ही क्यों? वो हमारी मर्जी। अच्छा, क्या गरीब भुखमरी कर दी बीजेपी ने, रोजगार खत्म कर दिए। अच्छा है, बिल्कुल महंगाई डबल कर दी। मोदी सरकार बोलते हैं कि उन्होंने राशन जो है 5 किलो फ्री दिया। कुछ नहीं दिया, तो पहले भी मिलता था सर जी। अच्छा, हाँ 20 साल पुराना नहीं, ये तो 20 साल से पहले का मिल रहा है। पहले भी मिला था, ईब के मिला, किसी ने नौकरी दे रहा ना, दुनिया भर के कागज करवा दे है, किसी तो पूर्ति ना हो रही, बता के करा। 10 साल लाइन में रही पब्लिक, 10 के 10 साल सरकारी नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, महंगाई डबल कर दी, तेल गैस पेट्रोल डीजल के दाम डबल कर दिए। रोहतक का कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहुमत से बनेगी पूरे इंडिया में। कांग्रेस वर्गी कोई सरकार को नहीं, गरीब कौड़ में पढ़े लिखे बालक बैठे, हमें भी ये करे करे बालक, उनकी कोई काम सुनाई करे। कांग्रेस उम्मीद है आपका इस सारे मुद्दे पर काम होगा? हाँ, उससे में होगा। बढ़िया माहौल है जी कांग्रेस का, आया आपकी बार कांग्रेस आएगी, पक्का आएगी। बदलाव चाहती है, 10 साल हो गए, परेशान हो गए लोग, बदलाव चाहिए पब्लिक को, बदलाव। क्या नाम है आपका? राजपुर नाम है। क्या माहौल चल रहा है बारे चुनाव के लिए? चुनाव के लिए जी इसके बार कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का ही? कांग्रेस का ही क्यों चल रहा है? कांग्रेस का नो चल रहा है जी, ऑटो वाले सारे परेशान है बीजेपी से। क्यों, मतलब कैसे परेशान है? परेशान, एक तो बस सलाहुद्दीन ने जीना आराम कर रखा है। इसके सारा कम से कम 40,000 आदमी काम चल रहा है, रोहतक में इतनी ऑटो चल रहे हैं, 40,000 तो चाले चल रहे हैं। अच्छा, तो 40,000 आदमी काम चल रहा है। एक 10 रुपये की वजह से इसने ब्रांड मैट्रिक कर रखी है। अच्छा, बीजेपी नू परेशान घने हैं। हम तो एक गरीब आदमी धंधा कर रहा है, तो धंधा खराब हो गया तो करा के ये करेगा जी, बताओ ये बात है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने, क्या करा जी बीजेपी, करती क्या है? मैं कुछ नहीं, किससे उम्मीद है आपको, कौन करेगा आप लोगों के लिए? दीपेंद्र करेगा जी, दीपेंद्र। यहाँ हमने पुराने बस स्टैंड के पास में लोगों से बातचीत की, रोहतक का माहौल जाना चुनाव को लेकर कि किसकी, कि यहाँ पर किसकी तरफ जोर ज़्यादा दिख रहा है। आप किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हो और आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरह के चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए अलग हरियाणा। धन्यवाद।